सीधे रुक करते हैं कोलकाता का, जहां पर अखिलेश यादव कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहा है। नेतृत्व यहां बैठा है, उससे सब ने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद दो तीन चार महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अभी बजट पास हुआ 30% पैसा खर्च किया, जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 40% केवल खर्च कर पाए। अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। ये बीजेपी के लोग कमाल के लोग हैं, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं, कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगे मानी जाएंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं। और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गतवा पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है, बिजली नहीं है। क्या पुलिस पावर प्लांट चलाएगी? क्या पुलिस सब स्टेशंस को देखेगी? क्या पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी? पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर पा रही है, वो बिजली कैसे ठीक करेगी? तो उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है, उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा महंगाई है, सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वो वैक्सीन है, और क्योंकि सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है, ना उसके ऊपर ईडी आती है, ना कोई सीबीआई आती है, ना कोई इनकम टैक्स आता है। और जो विपक्षी पार्टी हैं, उनको झूठा फंसाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा अन्याय बंगाल के बाद अगर पॉलिटिकल वर्कर्स पे कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर यहाँ बीजेपी आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हो रहा है। बीजेपी दिल्ली की सरकार से करा रहे हैं। फार्मूला नहीं बताया जाएगा, फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई ना कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई ना कोई फ्रंट बने। और जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के। और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ
अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। महिला आयोग पे जो जानकारी है तो देश में सबसे ज़्यादा अपराध अगर महिलाओं के ऊपर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। और जितने भी ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं इनकी जब कभी भी जाँच आएगी तो बहुत सारे अधिकारी कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। एक दो महीने और हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनाव शुरू हो गया है, बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है। और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है। कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है वो अलग चीज है। कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो जमीन की लड़ाई है वो अलग है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी, और इसके लिए मैं समझता हूँ देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है, और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार छीने जा रहे हैं, और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं। याद कीजिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, हालांकि यहाँ परिस्थितियाँ अलग हैं बंगाल। बिल्कुल, आप देख रही हैं कोलकाता में अखिलेश यादव की कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है। 12 साल बाद कोलकाता में सभी दिग्गज इकट्ठे हुए, इस कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई थी, साथ ही साथ 2024 चुनावों को लेकर यहां पर रणनीति तय की। लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में वहाँ डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुँचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए जब कभी हमें फैसला लेना होगा तो हम वहाँ के कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके बातचीत कर करके फैसला लेंगे। मैं दादा को धन्यवाद देता हूँ कि दादा ने यह कहा कि ये बहुत शुभ जगह है,
जब भी नेताजी और समाजवादी पार्टियां आई है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, उसकी भूमिका बढ़ी है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, हालांकि आपके यहाँ दूसरे नवरात्र ज़्यादा खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो सब नवरात्र मनाए जाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। और इसीलिए मैंने शुरू की थी बात, 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, 2019 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का मैनिफेस्टो 2017 का, और 2022 का बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी को एक मैनिफेस्टो का जवाब नहीं देना है, 2024 में बीजेपी को 4 मैनिफेस्टो का जवाब देना है। और आप तो वहां पर हैं जहां माँ गंगा को आखिरी में देखते हैं। माँ गंगा कहां से चली? और इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम माँ गंगा को साफ करेंगे। बताओ कितने शहर आते हैं, कितने कारखाने उद्योग लगे हुए हैं इसके किनारे, आज माँ गंगा की स्थिति क्या है, जिसमें हजारों अरबों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपये खर्च हो चुका है नमामि गंगे का, गंगा के नाम पर न जाने कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाओगे कि जितना बजट दिया वो गंगा की तरह बह गया उसमें। मैं ये खासकर वेस्ट बंगाल का, मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ कई वर्ष मंत्री रहने वाले जो पूरी ज़मीनी जानकारी रखते हैं, आदरणीय केमनानंदा जी पर छोड़ता हूँ, उनका सुझाव मैं समय समय पर लूँगा। और दूसरे प्रदेशों में जहाँ पार्टी का संगठन है वहाँ समाजवादी पार्टी जरूर चुनाव लड़े। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।